ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां शराब के नशे में धुत एक युवक ने फुटपाथ पर सो रहे परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी। इसमें पति पत्नी समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग निकला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कार चालक नशे में धुत था और गाड़ी पार्किंग करते वक्त उसने फुटपाथ पर सो रहे एक परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी। फिलहाल पुलिस ने मौके से कार जब्त कर ली है, वही चालक की तलाश जारी है। जैसे ही आराम करने के लिए गए, थोड़ा सबकी नींद लग चुकी थी, हम बच्चे के साथ में सो रहा था सर, तो अचानक से एक दारू सफ़ेद कलर की कार, और वो दारू पिया था बहुत ही ज़्यादा, हमको तो मालूम ही नहीं था क्या हुआ। एकदम से जब मेरे बच्चे पड़पड़ाने लगे तो मैं एकदम से सोचा कि इसको पकड़ूं, तो जब मेरे को खुद एहसास नहीं था कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाए, देखा कि पब्लिक इकट्ठा हो गई थी और मेरे बच्चे पड़पड़ाने लगे, मुझको भी तकलीफ हुई और उसको भगा दिया उस ड्राइवर को। रात को 1:30 बजे के करीब सूचना मिली है कि एक जो है कार चालक ने अनियंत्रित होकर कार फुटपाथ पे सोने वालों के ऊपर चढ़ा दी है। उसमें एक परिवार का जो है ना स्वयं पिंटू नाम का आदमी और उसकी पत्नी और बच्चे घायल हैं, जिनको रात को 108 ले गई थी। अब उनके जो है ना अपन सूचना पे FIR करके और आगे विवेचना कर रहे हैं। जो गाड़ी वहाँ छोड़ के जो है चालक भाग गया था, गाड़ी उठवा ली है, चालक की तलाश जारी है।